अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ असद और आप लोग देख रहे हैं K21 न्यूज़ किचन। और इस वक्त जो है आप लोगों के लिए जो रेसिपी बनने जा रही है वो रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी है और हमें कनाडा से जो है हमारी कॉलर ने मैंने नाम लिखा था कि रिक्वेस्ट की थी और ये हैं जी सुंबुल। तो सुंबुल बहुत शुक्रिया कि आप हमें कनाडा में वॉच कर रही हैं और उसके साथ साथ आपने रिक्वेस्ट की थी शलजम गोश्त की जो कि शोरबे वाला बनता है। तो आज आपके साथ हम बनाएंगे शलजम गोश्त क्योंकि शलजम गोश्त मोस्टली शोरबे वाला बनता है लेकिन समटाइम थोड़ा सा आप कह लें कि क्या कहना चाहिए मसाले वाला भी बनता है। तो वो भी कभी मौका मिला तो ज़रूर सिखाएंगे। और उसके साथ साथ पंजाब में शलजम पालक बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली उबले हुए चावल के साथ वो बड़ा मज़ेदार लगता है। और शलजम की भुजिया तो आप लोग सब जानते ही हैं। अच्छा, मैं जो शलजम की भुजिया, हमारे घर में जो शलजम की भुजिया बनती है या शलजम गोश्त बनता है उसमें हम डालते हैं हल्का सा, क्योंकि शलजम आपको पता है कसीला होता है, थोड़ा सा कड़वाहट होती है, तो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। और आज क्योंकि हम बना रहे हैं शलजम चिकन, गोश्त की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ चिकन, ठीक है। आप सेम रेसिपी है, बिल्कुल सेम सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आप चिकन की जगह मटन या बीफ भी डाल सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं और फिर इसका मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है प्याज, लहसुन और अदरक, इनको मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, ठीक है। प्याज, लहसुन और अदरक का हमने बना लिया पेस्ट। उसके साथ ही हमें चाहिए टमाटर का पेस्ट, टमाटर को भी हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा पेस्ट बना लिया। उसके साथ ही आप देखेंगे मेरे पास रखा हुआ है चीनी और रेसिपी कार्ड भी आ रहा है आप लोगों के लिए। चीनी के साथ ही जो है हमें चाहिए चिकन, ठीक है, मुर्गी चाहिए, मुर्गी के साथ हमें चाहिए टर्निप यानी शलजम, कोरिएंडर, हरा धनिया और उसके साथ हरी मिर्चें। उसके बाद हम आ जाएंगे स्पाइसेस की जानिब और स्पाइसेस में हमें चाहिए जनाब नमक, हमें चाहिए नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर हम यूज़ करेंगे, उसके साथ हमें चाहिए हल्दी, उसके साथ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे सालन मसाला। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की इस रेसिपी में हमने इस्तेमाल करनी है और मकदार भी हमने आपको बता दिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज का जो हमारे पास पेस्ट है इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका ज़रा पानी हम खुश कर लें और उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। अभी आपने देखा मैंने ऑयल नहीं डाला, ठीक है, ताकि इसको थोड़ा सा मैं प्याज का जो पानी है वो ड्राई कर लूँ, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे ऑयल ले लें या घी ले लें, अब आपकी चॉइस है। अच्छा, कल की जो दाल हमने आपके साथ शेयर की थी वो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फरजाना शाकिर ने बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी की है बाल्टी में ही। तो फरजाना बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा देख के। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा जी फरजाना की पिक्चर हमें मिल जाए, नहीं तो साथ साथ चलिए मैं अब इसको देखता हूँ उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की थी फरजाना ने और देख के बहुत अच्छा लगा और स्पेशली जो है आपने बिल्कुल उसी तरह बाल्टी में उसको किया। अच्छा, और एक चीज़ और थी जो आपने कल क्वेश्चन भी किया था एक खातून ने और नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उन्होंने पूछा था कि जो हमने कल दाल बनाई थी मूंग की और मसूर की, तो आप क्या हम एक दाल में बना सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है लेकिन रेस्टोरेंट में ये दोनों दालें मिक्स करके पकती हैं और इसलिए इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। और आपने पूछा कि देसी घी की जगह हम बटर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, बटर यूज़ करना चाहें बटर यूज़ कर लें, देसी घी मैंने आपको बताया है, अब वो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर शलजम जो है उसको हम कट करेंगे और इसको हम चार पीसेस में कट कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब आपको लग रहा है कि ये भी बड़े हैं तो फिर इसको आप मज़ीद हाफ़ कर लीजिए, अब ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि किस साइज़ में आपने इसको ग्रेवी में ऐड करना है।
छोटे हैं तो आप दो कर लीजिए, बड़े हैं तो आप इसको चार कर लीजिए। आई कैसे दो बहुत हैं। इस तरह से हम कट कर लेंगे। और जो हम मसाले वाले बनाते हैं तो उसमें फिर हम इसको शलजम को मज़ीद छोटा करते हैं। और शलजम आपको पता है जल्दी गल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट आप कह लेंगे सब्ज़ी है, लेकिन सम टाइम अगर आप कह लें कि ज़रा बासी आ जाएं तो ये थोड़ा खासा टाइम लेते हैं पकने में। अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा सा तेज़ करता हूँ फ्लेम को, ताकि अच्छे से हमारे पास ये ज़रा सा ड्राई हो जाए। और साथ ही अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो हमने प्याज की पेस्ट बनाई है तो उसमें जो थोड़े बहुत अगर चंक्स हैं तो वो हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शोरबा है, जो पेस्ट है उसका, उसमें बिल्कुल कोई चंक नहीं आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने हल्के फुल्के जो रह गए हैं पिसने से वो आप डिस्कार्ड कर दें। और अब इसमें मैं शामिल करूँगा ऑयल, और ऑयल में डालूँगा तकरीबन 1/4 कप से लेके हाफ कप तक, ठीक है, 1/4 कप से लेके हाफ तक कप तक आपने ऑयल डाल दिया। और अब इसमें हमने प्याज को इस तरह से फ्राई करना है, साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाला हुआ है, ठीक है। चलिए, और दूसरी जानिब हम क्या करते हैं, एक अगेन दूसरे पैन में हम रखेंगे पानी, पानी को बॉयल होने रखेंगे। और पानी को बॉयल होने क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने जो इसका जो सॉस बनाना है, यानी कि जो शोरबा बनाना है, तो उसके लिए जब हम पानी हमें चाहिए तो वो हमें गर्म पानी चाहिए। और क्योंकि सालन जब गर्म होता है, फिर आप जब ठंडा पानी डालते हैं तो उसमें फ्लेवर में भी फ़र्क आ जाता है और पकने में भी टाइम ज़रा ज़्यादा यूज लगता है। तो इसको मैं पानी को हमने गर्म होने रख दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज के साथ हमने डाल के इसको हमने यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, अब साथ ही मैं इसमें डालूँगा टमाटर का पेस्ट, ठीक है, टमाटर का पेस्ट डाल दिया। और इसको अब हम थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। और साथ ही इसमें अब मैं ऐड कर दूंगा स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं यूज़ कर रहा हूँ पिसी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, हल्दी, हल्दी के साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के साथ ही जा रहा है गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर है, उसके बाद गरम मसाला पाउडर डालूँगा, ये हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। चलिए, और साथ ही डालेंगे नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ये हमने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, अब डाल देंगे सालन मसाला, दैट्स इट। सारे स्पाइसेस जो है वो हमने ऐड कर दिए, और उसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ चीनी। अच्छा, ये देखिएगा ज़रा सा मसाला आप, हाँ ओप्स, इसमें कैसे क्यों इसे क्यों, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मसाला जो है वो हो रहा है तैयार। अब इसको आपने ज़रा अच्छे से भूनना है, ठीक है, ताकि मसाला, और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें शलजम भी डाल रहा हूँ, ताकि हमारे पास शलजम भी भुन जाए, मसाला भी भुन रहा है, शलजम भी भुन जाएंगे, ठीक है, और चिकन भी हम इसमें डालेंगे। चिकन हमने इसमें ऐड कर दी है, बस अब इसको हमने क्या करना है, ज़रा सा अच्छे से भूनना है, ताकि भुनाई में हमारे पास मसाला भी डन हो जाएगा, चिकन भी डन हो जाएगी, और शलजम भी थोड़े से डन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये पानी गर्म होने रखा है, सिमर होने रखा है, ये हम डाल के और इसको शोरबा करने के बाद हल्की आंच पे पकने रख देंगे। अच्छा, अब आपने जो है मुझे बस वाइंड अप से 15 मिनट पहले बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
इसको हमने सारी चीज़ें डाल के और मसाले में अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आप कह लें कि कोई बहुत मेहनत तलब काम नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि जो चीज़ें हैं मसाले हैं वो जो है वो आपने देखना है। हरी मिर्च आपकी चॉइस है कि इस तरह से कट लगा के डाल दें, और अगर नहीं आपको पसंद नहीं डालना चाहें तो आप बेशक इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च, तो ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, और एक हरी मिर्च जब बिल्कुल जब सालन हमारे पास डन होगा उस वक्त मैं काट के ऊपर से डालूँगा, ठीक है। और सेम यही चीज़ जैसे अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, हाउस मतलब आप कह लें कि वर्किंग वूमेन हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, गोश्त में बनाना चाह रहे हैं तो आप गोश्त को ऑलरेडी बॉयल करके रख लिया करें, चाहे वो बीफ का हो चाहे मटन हो, तो गोश्त बॉयल हुआ हुआ रखा हुआ हो तो बस फिर फटाफट आपका। और मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि जो एक बेसिक मसाला है जिसमें प्याज टमाटर और सारी ये धनिया पुदीना उसके साथ सॉरी धनिया और सूखा धनिया, ठीक है, ज़ीरा गरम मसाला और थोड़ा सा सालन मसाला डाल के हल्दी डाल के उसको आप मसाले को भून के रख लिया करें, सेव कर लें, और या फिर उनकी पीसेस लाइक छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख लें। अब मिसाल के तौर पे आप ऑफिस से आए हैं और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो आपने बस वो मसाला भुना हुआ है, मसाला निकाल के उसको गर्म किया, गोश्त भी आपके पास बॉयल हुआ हुआ रखा हुआ है वो आपने डाल दिया, और उसमें आप फिर आप चाहे आलू डाल लें, शलजम डाल लें, कुछ भी डाल लें, तो आपका काम ज़रा आसान हो जाता है। तो इस तरह से अपनी आप कह लें कि रूटीन की जो लाइफ है उसको आप थोड़ा सा सेव कर लिया करें टाइम के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे हैं मैं सिर्फ इसको भून रहा हूँ, और मैं दूसरा चम्मच यूज़ करता हूँ, चल, और चलिए ये हमारे पास अच्छे से भुन रहा है। और आप देख रहे हैं भुनने की निशानी आप सबको ही पता है, जो नए बच्चे बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए है कि मसाला जब आप देखें इस तरह से ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो इट्स मीन कि आपका मसाला भुन गया है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा और ताकि अच्छे से ज़रा चिकन वगैरह में सेटल हो जाए। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, ठीक है, अच्छे से हमने इसको भूना है। अब भूनने के बाद ये जो हमारे पास गर्म पानी है ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और चले, और इसको हम रखे रहने देते हैं ऊपर ताकि हल्की आंच पे ये होता रहे, साथ साथ हम और डाल देंगे। चलिए अब बारी है इसको कवर करने की, और इसको हमने दे दिया दम। तो यहाँ पर हमारे पास जो शलजम गोश्त है उसको हमने दम पर रख दिया है, और अब हम इसकी जो गार्निशिंग है उसकी भी तैयारी करते हैं। तो हरा धनिया हमें चाहिए, और हरा धनिया जो है हमने एंड में इसमें ऐड भी करेंगे और फिर ऊपर से भी डालेंगे। तो इसके लिए हमने फाइन चॉप करने, बारीक अच्छा सा उसको आप चॉप कर लीजिए। चलिए हमने हरा धनिया डन कर लिया है, और उसके बाद अब हम ऐड करते हैं इसमें हरी मिर्च, बारीक बारीक हरी मिर्च। ये आपकी चॉइस है, बहुत सारे लोगों को लाइक हरी मिर्च नहीं पसंद होती, बारीक नहीं डालते, और बहुत सारे लोगों को इतनी पसंद होती है कि वो आप कह लें हर बाइट में हर निवाले में कच्ची मिर्च भी खाते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गार्निशिंग जो है वो रेडी करके रख ली है, और उसके बाद अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा FB का आप लोग पूछ रहे थे कि जो हमारा पेज है। अच्छा जी ये है, ठीक है, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ ताकि आपको
क्लियर। ये है हमारा फेसबुक का पेज, ठीक है, लज्जत विद असद, 272K फॉलोअर्स हैं। इसमें ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये कोफ्ता कढ़ी की रेसिपी मैंने अपलोड की है और ये आपको मिलेगी मेरे YouTube चैनल पर। अच्छा, इसका मेरे Facebook पर इसका लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और YouTube के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारी रेसिपीज़ आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये वो रेसिपीज़ हैं जो यहाँ पर मैंने नहीं बनाई हैं, लेकिन आपको वहाँ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये तो बात हो गई फेसबुक की, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फरजाना की मैं पिक्चर ढूँढ रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बना के भेजा है। अच्छा, उसके साथ साथ जो मेरा YouTube चैनल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके लिए आप सिंपल लेट्स कुक विद शेफ असद लिखिएगा तो आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। अदर देन आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर या याहू पर जाके और चैनल को सर्च कर सकते हैं। ये है सॉरी लेट्स कुक विद शेफ असद, ये है मेरा YouTube चैनल, ठीक है। और इस पे आपको बेशुमार आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो भी रेसिपीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी बेशुमार रेसिपीज़ हैं, हलवा पूरी की भी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी जिसमें गैस ओवन और इलेक्ट्रिक ओवन में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है। तो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, रेसिपीज़ भी मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ जो इस वक्त आप हमें लाइव देखते हैं K21 पर, तो इस पर कोई रेसिपी मिस हो जाती है या कोई इंग्रेडिएंट्स मिस हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं K21 न्यूज़। तकरीबन आप समझ लें कि जो भी रेसिपी हम बनाते हैं वो 3-4 घंटे बाद डल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास शलजम अभी ज़रा डन हो रहे हैं, इसको मैं कवर कर देता हूँ। तो और अभी आप देख रहे हैं ऑयल हमारे पास ऊपर सेपरेट नहीं हुआ है, तो इसको अभी हमने पकने देना है। अगर आपको लगेगा कि जी जो हमारे पास इसकी ग्रेवी है यानी कि जो शोरबा है वो आपको लगेगा ज़रा कम है, तो फिर आप इसको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी शोरबे में आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है, तो इस मीन कि ये और अभी डन होगा। अच्छा, इस स्टेज पर मैं क्या करता हूँ, ज़रा मिर्च मसाला वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। और जो इसमें चीनी हमने डाली है, चीनी डालने से जो इसका फ्लेवर आता है बहुत डिफरेंट सा मज़ेदार सा वो आ रहा है। और मैं थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा है। चल, ये हमने ऐड कर दिया और इसको अब आप सर्व कर सकते हैं बॉयल राइस के साथ या तंदूरी नान के साथ। चपाती के साथ तो है ही, लेकिन तंदूरी नान के साथ इस तरह का जो आलू गोश्त होता है या शलजम गोश्त, तो बड़ा आप कह लें कि मज़ा आता है उसको भिगो के खाने में। अच्छा जी, और अब यहाँ पर बस हमारे पास आज की रेसिपी ऑलमोस्ट डन है। और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चिकन को हमने भून लिया था और इसको हम सर्व करेंगे। और मेरे ख्याल में वाइट में करूँ ट्रांसपेरेंट। और हमारे साथ आज कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे रिजवान साहब? आप गालिबन टीवी पे सुन रहे हैं मुझे? प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और हमारी पूरी फैमिली देखती है बड़े शौक से। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जब आपको कॉल आपको होल्ड करा दिया जाए तो टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर दें ताकि मुझे आप फ़ोन पे सुनें, ठीक है? सेल फोन पे या जिस पे भी आप हमें कॉल कर रहे हैं उस पे आप मुझे सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपसे बात होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस रहेगी, मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ तो टीवी पे वो डिले आता है, ठीक है? अब वो फिर आप वेट करेंगे, सुनेंगे, फिर मुझे जवाब देंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए, आपको होल्ड करा दिया जाए, तो देन आप टीवी का जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर दें, ठीक है? तो आई होप कि आप दोबारा
जब कॉल करें तो इस तरह से कीजिएगा। और यहाँ पर शलजम गोश्त हो रहा है तैयार, और गोश्त का मैंने आपको बता दिया है मैंने चिकन में बनाया है, आप चाहें तो इसको, ठीक है। शलजम अभी हमारे पास ज़रा कच्चे हैं तो ये ज़रा टाइम लेंगे, बस अब इसको हमने जो है पकने देना है। और तकरीबन आप समझ लेंगे इसका जो, अगर तो शलजम आपके बेस्ट हैं ताज़े हैं तो ये हार्डली समझ लीजिए कि हाफ एन आवर लेगा और ये डन हो जाएगा। और अगर आपके शलजम ज़रा ताज़े नहीं हैं, फ्रेश नहीं हैं, एक दो दिन पहले के हैं, तो फिर जो इस वक्त मेरे पास हैं तो वो फिर आपका वो एक घंटा भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने शलजम देखा कि ये थोड़े हार्ड लग रहे हैं तो आप इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, तो फिर आपका ये सारा का सारा सालन जो है 15 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रेशर जो आपने देना है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं देना, अगर आपका विसल स्टार्ट हो जब मूव करना स्टार्ट हो तो हार्डली 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी डन हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं डाल रहा हूँ हरा धनिया, ताकि आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ, बाद में फिर हम इसको बनाते रहेंगे। हरी मिर्च डाल दी है, हरा धनिया डाला है, और थोड़ा सा मैं हरा धनिया और चॉप कर लूँगा, ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। चलें ठीक है, अब इसको हम ज़रा सा डन करते हैं, और साथ ही हमारे पास टाइम है तो आज मैं आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। चल, ये हमने गार्निशिंग के लिए काट के रख दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर आज मेरे पास ज़रा सा टाइम है, 2-3 मिनट हैं, तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें मैसेज किया है वो किया है जनाब, अच्छा ये हैं आर्यन, और लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम शेफ असद, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ और मैं भी कुकिंग का शौक़ रखता हूँ, और आपके शो से मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है और वो ये कि आप बहुत सिंपल मसालों से रेसिपीज़ बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बनाई हुई बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की जो कि बहुत परफेक्ट बनी और सब ने बहुत सबको बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पॉट पाई की रेसिपी बता दें, इंशाल्लाह जी ज़रूर सिखा देंगे आपको पॉट पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल रेसिपी, सिंपल इन्ग्रीडियंट्स की जहाँ तक बात है, तो जिस आप कह लें कि जिस खाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं मैं वही यूज़ करता हूँ, एक्स्ट्रा मैं नहीं डालता, या आप कह लें कि उसको रेसिपी को, बहुत सारे लोग रेसिपी को चेंज करने के लिए कुछ अपनी नई टेक्निक्स भी डाल देते हैं, तो इस मैं वो चीज़ नहीं करता। जो मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपीज़ हैं उसमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो हम उसको हम नहीं छेड़ते। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास शलजम डन हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है। और आज भी आपके मैसेजेस रह गए लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, तो यहाँ लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे पास शलजम गोश्त ऑलमोस्ट तैयार है, और अब इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शलजम ज़रा चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास जो शलजम है वो कहाँ तक गले हैं, ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं, और आप समझ लेंगे हाफ एन आवर में हमारे पास डिश हो गई तैयार। अब इसको हम करते हैं डिश आउट, तो इसके लिए मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको मैं यहाँ रखता हूँ, उप्स, तो यहाँ पर इसको हम डन करते हैं। चल, शलजम चिकन हमने यूज़ किया है, और आप चाहें तो शलजम
गोश्त इस्तेमाल कर लीजिए, गोश्त में बना लीजिए आपकी चॉइस। और बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका जो शोबे वाला लगता है, और जैसे मैंने बताया चावल के साथ आप सर्व करना चाहें चावल के साथ आप सर्व करें। चलें हमारे पास, और इंशाल्लाह अच्छा शलजम का अचार मेरे ख्याल में मैंने आपको नहीं सिखाया, इंस्टेंट शलजम का अचार बहुत मज़ेदार बनता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी प्लान करूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है थोड़ा सा आपकी कह लें कि सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी आ जाती हैं, और बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाइनअप हैं जो सर्दियों में हम बनाएंगे। शलजम उसके अलावा भुजिया की जैसे मैंने बात की थी, और इसी तरह मूली, मूली की मूली गोश्त जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे डिफरेंट सी रेसिपी, और उसके साथ मूली के पराठे जो अक्सर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है चले, ये हमारे पास हो गया सालन डन, थोड़े से शलजम डालते हैं चल, और उसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया, चलिए जी। इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, स्क्रीन पर इंजॉय कीजिएगा शलजम गोश्त, उसके बाद अपने घर में बना के फैमिली के साथ इंजॉय करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रूटीन की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इसी तरह और मज़ेदार सी रेसिपीज के साथ होगी आपसे मुलाकात। नेक्स्ट वीक में क्या स्पेशल है वो आप लोग इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे, और कोई वीक हम ला रहे हैं या गेस्ट हमारे साथ होंगे क्या होगा इसके लिए आप देखिएगा, मंडे को हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।